मैं जाने चेतावनी, अगर आप सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। आप UPI के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं। दो सवाल काफी लंबे समय से बहुत सारे व्यक्ति मुझसे बार बार पूछते हैं। पहला, कि क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग भारत में लीगल है? दूसरा, यदि लीगल है तो हम ऐसे कौन से ब्रोकर के थ्रू ट्रेड करें जो कि भारत में लीगल हो? अब यदि ये सवाल कोई व्यक्ति मुझसे 1.5 साल 2 साल पहले पूछता था तो मुझे बात समझ आती थी, क्योंकि जानकारी का अभाव था लोगों के अंदर। लेकिन आज के समय में तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि इस बात को समझा चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि व्यक्ति खुद की रिसर्च करना नहीं चाहता। इसलिए इंडिविजुअल व्यक्ति किसी एक ब्रोकर को पकड़ के लाता है, फिर सवाल पूछता है कि सर क्या ये ब्रोकर लीगल है, क्या ये ब्रोकर इलीगल है, राइट? आज से करीबन 1 साल पहले जिस वक्त मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग पे वीडियो बनाता था, उस वक्त मुझे सबूत उठा के लाने पड़ते थे, राइट? PDF निकाल निकाल के लानी पड़ती थी कि गवर्नमेंट ने किस रूल में क्या बोला है और कैसे इलीगल है। लेकिन आज के समय में सिचुएशन वो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग मेहनत करना नहीं चाहते। देखिए, सबसे पहली बात ये कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के मामले में इंडिया एक ग्रे मार्केट है, ठीक है? कोई भी ऐसा देश जो कि विकासशील होता है, डेवलपिंग कंट्री होता है, वो हमेशा फॉरेक्स ट्रेडिंग से बचता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने रिजर्व लुट जाने का खतरा होता है, राइट? फिर भी यदि आप चाहते कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करें तो उसका सही तरीका ये है कि कोई भी ब्रोकर जो कि फेमा एक्ट के तहत भारत में रजिस्टर्ड हो, राइट? फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है, तो कोई भी ऐसा ब्रोकर जो कि भारत में फेमा एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो, उसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर एक ये भी निकल के आता है कि हम किस किस करेंसी पेयर में ट्रेड कर सकते हैं, तो इसके लिए यूट्यूब पर और भी बहुत सारी वीडियो है। हमारी आज की इस वीडियो का सब्जेक्ट ये नहीं है, हमारा सब्जेक्ट ये है कि आप किस ब्रोकर के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं, राइट? तो उसके लिए मैंने बता दिया कि कोई भी ब्रोकर जो कि फेमा एक्ट के तहत भारत में रजिस्टर्ड हो, फेमा एक्ट के तहत जो भी ब्रोकर रजिस्टर्ड होते हैं उनको रेगुलेट करता RBI और SEBI मिलके, राइट? आप उसके थ्रू जाके फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब यदि आपको समझना है कि ऐसे कौन कौन से ब्रोकर हैं जो कि भारत में लीगल नहीं है, तो पहले ये थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब RBI ने आसान कर दिया है और आपके लिए मैंने और आसान कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक ग्रुप का लिंक मिलेगा, फाइट अगेंस्ट फेक मार्केटिंग, उस ग्रुप को आप ज्वाइन करें, आपको एक PDF मिलेगी। उस PDF में जितने भी गैरकानूनी फॉरेक्स ट्रेडिंग वाले ब्रोकर हैं उनकी एक लिस्ट है, ठीक है? तो आप जब भी किसी ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग करने की सोचें, आप सोचें कि मैं इस ब्रोकर के थ्रू ट्रेडिंग करूंगा, तो सबसे पहले उस ब्रोकर का नाम उस लिस्ट में आप देख लें, राइट? उस लिस्ट में जो आप नाम देख लेंगे और आप श्योर हो जाएंगे कि या इस लिस्ट में मेरे ब्रोकर का नाम नहीं है, तो उसके बाद ये कंफर्म करें कि क्या ये जो ब्रोकर है जिसके साथ मिलकर मैं ट्रेड करने वाला हूँ, क्या ये फेमा एक्ट के तहत भारत में रजिस्टर्ड है भी या फिर नहीं, और यदि है तो फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लास्ट में एक और पॉइंट पर बात कर लेते हैं। एक तर्क है जो कि बहुत सारे व्यक्ति देते हैं कि यदि ये सब भारत में गैर कानूनी है, इलीगल है, तो गवर्नमेंट इनको बैन क्यों नहीं कर देती। असल में ये तर्क नहीं, इसे मैं कुतर्क कहूँगा, क्योंकि अगर वो व्यक्ति थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाएं तो वो खुद ही समझ जाएंगे कि गवर्नमेंट का शिकंजा इन पर कस ही नहीं सकता कभी। क्यों? एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, अभी लास्ट में FPP ट्रेड था, ठीक है? अब ये लोग पेमेंट कैसे एक्सेप्ट करते थे? क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, राइट? और क्रिप्टो करेंसी का क्या चल रहा है आपको पता ही है, अभी उसको लेकर कोई रेगुलेशन नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात, ये भारत में रजिस्टर्ड ही नहीं होते, तो पहली बात रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई इंडिया हेड नहीं है, तो इन पे शिकंजा कसा नहीं जा सकता। दूसरी चीज कि ये जो पेमेंट का ट्रांसफर करते हैं क्रिप्टो करेंसी के थ्रू करते हैं, राइट? आपसे किसी भी क्रिप्टो के एक्सचेंज में पेमेंट लेंगे, उसके बाद USDT परचेस करवाएंगे, फिर वहां से ये गेम खेलेंगे, तो इसलिए गवर्नमेंट का शिकंजा इन पर नहीं कस पाता। लेकिन फिर भी यदि कोई व्यक्ति इस बात को जानने का इच्छुक हो कि फेमा एक्ट यदि गवर्नमेंट ने बना रखा है और कोई तोड़ता है तो मतलब होगा क्या, कि मान के चलिए हम इस रूल को तोड़ ही देते, हम नहीं मानते और पकड़े जाएंगे तो क्या होगा, तो एक आर्टिकल के मुताबिक यदि आप चाहें तो मेरे ग्रुप में जाकर उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, 5 साल तक की जेल और ₹10,000 तक का जुर्माना है। दोस्तों, वीडियो दी आप सभी को अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अधिक से अधिक ऐसे मित्रों में शेयर करें जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश करना चाहते हैं। आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते।